हेलो एवरीवन, निंजा टेक्निक बैच में आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के एक पर्टिकुलर टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे। ये सवाल एग्जाम में अगर मैं बात करूं 100 बच्चों में से तो 90 बच्चे इस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। बाकी जो बच्चे अटेम्प्ट भी करते हैं, बहुत ही रेयर होता है कि वो इसको सही करते हैं या इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं, बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन के थ्रू इसका आंसर वो निकालते हैं। तो इन तरीके के सवालों को कैसे समझेंगे, कैसे एकदम छोटे में आंसर निकालेंगे, आप देखोगे कि इस लेक्चर के खत्म होने के बाद में इस तरीके के सवालों को आप जवानी हल कर पाओगे। इवन तो आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जवानी इन सवालों को हल कर पाओगे। जैसे हमारे एग्जाम में कई बार सवाल आते हैं बुलेट फायरिंग के, कि हम लोग बुलेट फायर करते हैं, सामने से दूसरी कोई गाड़ी या आदमी होता है वो आ रहा होता है, तो उसको अलग टाइम के अंतराल पर बुलेट फायर करते हैं, अलग टाइम अंतराल पर, और उसको सुनाई देता है अलग टाइम अंतराल पर। बुलेट फायर की मतलब ध्वनि की गति मालूम रहती है और हमको उस आदमी या बस या गाड़ी की गति की वैल्यू निकालनी होती है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे छोटे से छोटे मेथड से हल करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो एक तो ये बुलेट पे है, इसको समझने से पहले मैं इसका एक छोटा सा सिंपल वर्जन लेता हूँ जो कि आपके NTPC एग्जाम में कई बार पूछा गया। आप देखोगे मैंने डेट और शिफ्ट सब डाल रखा है ताकि आप इसको आसानी से समझ सको कि आपके एग्जाम का सवाल है और बार बार रिपीट करके पूछा हुआ है। दो कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा प्रारंभ करती हैं। कितने गति के साथ एक महिला घर की विपरीत दिशा में आती है यदि 8 मिनट के अंतराल में उसे कारें मिले तो। कहने का मतलब यह है कि एक जगह है, एक घर है, मान लेते हैं ये घर है, यहां से बस चल रही है, हर 10 मिनट में चलेगी, एक बस गई उसके बाद फिर दूसरी बस जाएगी, 10 मिनट बाद तीसरी जाएगी, फिर चौथी जाएगी, इस तरीके से चलती चली जाएगी। अब दूसरी इस घर की तरफ आते हुए कोई एक महिला यहां से आ रही होगी, तो किसी एक बस को मिली, फिर दूसरी बस को मिलेगी, फिर तीसरी बस को मिलेगी। तो ऐसा कह रहा है यहां पर जो समय अंतराल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मिनट, लेकिन यहां पर जो मिलने का समय अंतराल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 मिनट। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे इन सवालों को हम समझते हैं। देखिए, इस सवाल में कहीं पे भी कोई भी दूरी नहीं दी हुई है। अगर दूरी नहीं दी है इसका मतलब हमें दूरी की जरूरत भी नहीं है। और कैसे समझेंगे, सबसे सिंपल वे में समझेंगे। मान लेते हैं कि एक गाड़ी आपकी यहां पर है, ये आपका घर है, यहीं पर आपकी गाड़ी है, ये 10 मिनट तक चली। कितनी देर तक चली? 10 मिनट तक चली। 10 मिनट के बाद कहां पर पहुंच गई? यहां पर, इस पोजिशन पर पहुंच गई। अब इसी समय पर 10 मिनट के बाद में दूसरी गाड़ी चलेगी यहां से। मैं ये मान लेता हूं भाई महिला की पोजीशन तो हमें दी नहीं कि कहां पर है, तो उसको कहीं से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन है सबसे आसान तब होगा जब हम मान लेंगे कि पहली बस को महिला भी यहां से आ रही थी, इसी समय पर महिला यहां पर पहुंच गई। जिस समय पर यह पहली वाली बस यहां पर पहुंची उसी समय पर महिला यहां पर पहुंच गई। बात समझ में आ गया? अब महिला पहली वाली बस से मिल गई। अब सवाल के हिसाब से क्या है कि 10 मिनट हो गया है इस बस को, अब अगली बस यहां से चलेगी, ये इधर जा रही, अब महिला किधर जा रही? इधर जा रही है। अब सवाल के हिसाब से एक बस से मिल चुकी है, दूसरे बस से मिलने में महिला को कितना समय लगेगा? 8 मिनट लगेगा। मतलब ये जो महिला है ये आगे कितनी देर तक चलेगी? 8 मिनट तक चलेगी। 8 मिनट तक आगे चली, और इसके बाद में ये वाली जो बस है ये भी इधर चली। कितनी देर तक भाई? सेम ही टाइम पे, ये भी इसी टाइम पे यहां पे आगे बढ़ना स्टार्ट की, ये भी इसी टाइम पे यहां पर आगे बढ़ना स्टार्ट की। तो बस भी कितनी देर चली है? 8 मिनट चली है। अब ये क्या है? महिला से मिल गई, यहां पर आकर महिला से इस पोजिशन पर मिल गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया सभी को? अब आगे समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखो भाई, जो पहली बस चली और जो दूसरी बस चली है सबकी गति समान है। क्या कह रहा है? सबकी गति कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से पहली वाली बस को यहां से यहां जाने में अगर 10 मिनट लगा है तो दूसरी वाली बस को भी यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट का ही समय लगेगा। अब भाई बस ने 8 मिनट में मतलब 8 मिनट चल चुकी है 20 की स्पीड से, तो भाई 20 की स्पीड से कितनी देर और चलना बाकी है यहां पर पहुंचने के लिए? भाई 2 मिनट और चलेगी तब वो यहां पर पहुंच जाएगी। मतलब ये जो महिला डिस्टेंस कवर करके आ चुकी है, अब यही तो बस को आगे चलना है भाई। इतना पार्ट तो बस ने कवर कर लिया, अब जो बचा हुआ पार्ट है कौन सा है? जो महिला ने कवर किया, ये अब किसको कवर करना है? बस को कवर करना है। बस आगे जाएगी, लेकिन बस टोटल 10 मिनट लगाती है, यहां पे 8 मिनट लगा चुकी है, तो यहां पे कितना समय लगाएगी? 2 मिनट का समय लगाएगी। अब देखो इसमें सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, हमको ये चीज पकड़नी होती है, या तो आपका टाइम सेम होता है, या तो आपका स्पीड सेम होता है, या तो आपका डिस्टेंस सेम होता है। इसमें आपको एक बात समझ में आएगी कि देखो ये एक डिस्टेंस है, महिला यहां से यहां तक कितनी देर में गई है? 8 मिनट में गई है, और बस इतनी ही दूरी कितनी देर में गई है? 2 मिनट में गई है।
बस यही कॉन्सेप्ट है जो इस सवाल को सॉल्व कर देगा कि जितनी दूरी बस 2 मिनट में तय कर रही है उतनी दूरी महिला 8 मिनट में तय कर रही है। अगर दूरी समान है तो जो आपके टाइम का रेशियो है, जो आपके समय का अनुपात है, उसका उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड का अनुपात। तो अगर मैं समय के अनुपात की बात करूं, बस का जो समय है 2 मिनट है, महिला का समय है 8 मिनट है, समय का अनुपात कितना हो गया, 1:4। समय का अनुपात कितना हो गया, 1:4। तो जो स्पीड का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 4:1। बस की स्पीड अगर 4 होगी तो महिला की स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें बस की स्पीड दे रखी कितनी है, 20 है, 4 का मान 20 के बराबर है तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग ट्रिक निकालेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक निकालेंगे। बार बार ये इतना सारा हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इसको एकदम शॉर्ट में करेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैं बता रहा हूं यहां पे आप बस लिख लो, आपको ये ध्यान रखना है कि दो समय जो दिए हैं, समय का अंतर, समय का अंतर बटे मिलने का अंतराल, मिलने का समय अंतराल, मिलने का अंतराल डाल दो, बस समय अंतराल ना डालो। आपको दो समय निकालना है। अब देखो ये जो 2 मिनट है ये कैसे आया है, ये जो हमारे दो समय दिए हुए, एक 10 मिनट दिया हुआ है, एक 8 मिनट दिया हुआ है, इनको घटाओ कितना आएगा, 2 मिनट, वो यहां पे लिखा हुआ है, यही तो मैंने बोला समय का अंतर, ये हमारा क्या है, समय का अंतर। और ये 8 मिनट का अंतर क्या है, जिस अंतराल पे महिला बस को मिल रही है, मिल रही है, मिलने का अंतराल। तो मिलने का अंतराल कितना है, 8 मिनट, तो यहां पे भी कितना है, 8 मिनट है, तो ये मिलने का अंतराल है। तो सवाल में आप सीधे सीधे जैसे ही आप सवाल पढ़ो दो चीजें निकालो, समय का अंतर कितना है 2, समय का अंतराल कितना है 8, ये टाइम का रेशियो आ गया। और जो टाइम का रेशियो इसका उल्टा स्पीड का रेशियो, ये 1:4 हो गया तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 4:1, 4 का मान 20 के बराबर तो 1 का मान किसके बराबर, 5 के बराबर। बस इतनी ही देर का सवाल है। आप मेरे को बताओ कि ये सवाल को हल करने के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत है, नहीं, आप जबानी हल कर सकते हो। चलो बाकी जो सवाल है और भी एग्जांपल मैंने ले रखे हैं, आप देखो कि क्या आप उनको जबानी हल कर सकते हो कि नहीं। अगला सवाल कह रहा है 15 मिनट के अंतराल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है एक घर से 2 साइकिल, घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल से मिले। यहां पे जिस अंतराल से बसें चलती है, साइकिल चलती है, उसका क्या समय दे रखा है, 15 मिनट। मिलने का अंतराल कितना दे रखा है, 10 मिनट। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा समय, दोनों समय का अंतर कितना हो गया, 5, और कौन सा मिलने वाला कौन सा अंतराल है, ये वाला, ये हो गया 10। तो अगर समय के अनुपात की बात करें तो कितना आ गया, 1:2, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1, 2 का मान किसके बराबर है, 24 के बराबर, 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर, उत्तर हमारा क्या आ गया, 12। आप मेरे को बताओ कितना समय लगा, इसको आप मन में हल कर सकते थे बिना पेन पेपर। चलो भाई हम भी पेपर मतलब कलम रख देते हैं। अब चलो एक सवाल हम लोग क्या करेंगे, साथ में हल करेंगे बिना पेन पेपर के। 2 जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी स्पीड है, 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती हैं, ये समय अंतराल है बस के चलने का, घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर दूसरी जीप से मिले, 6 मिनट के अंतराल पर मिलना है। तो अगर हम दोनों समय की बात करें तो कितना हो गया, 4, दोनों के समय का अंतर कितना हो गया, 4, और मिलने का जो अंतराल है वो कितना है, 6, 4 और 6 का अनुपात कितना हो गया, 2:3, ये हमारा किसका अनुपात हो गया, समय का। तो इसका उल्टा हमारा 3:2 हमारा किसका अनुपात हो जाएगा, स्पीड का। 3 की वैल्यू मालूम है हमें कितनी है, 20 है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की, 3 का मान 20, 1 का मान 20/3, 2 का मान 20/3 × 2 मतलब 40/3, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40/3। आप बताओ हमें पेन पेपर चलाने की भी जरूरत है, नहीं। चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, 10 मिनट 6 मिनट, समय का अंतर 4 और समय अंतराल मिलने का 6 हो गया, अनुपात की बात करें तो 2:3, ये समय का अनुपात, तो स्पीड का अनुपात 3:2, 3 का मान किसके बराबर है, 20 के बराबर, 1 का मान 20/3, तो 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 40/3 के बराबर। मान लो अगर आपको पेन भी चलाना पड़े तो कितना लिखना है, बस इतना सा लिखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल करते हैं और देखते हैं जल्दी जल्दी से, ये आपका भाई अगर आपको आदत हो गई, अगर ऐसे सवाल आपने लगा रखे हैं तो जैसे ही सवाल दिखेगा आपको पूरा सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपने स्पीड देखी, आपने यहां पे समय देखा, आपने यहां पे समय देखा, आप समझ गए कि इतने अंतराल पे बस चल रही है, इतने अंतराल पे महिला से मिल रही है, अंतर कितना हो गया, 4 और 6, 2 और 3, 3 और 2, ये स्पीड के बराबर है 22, तो 2 का मान 22/3 × 2 44/3,
सोचा भी नहीं, 10 सेकंड में बिना पढ़े सवाल हल हो गया, क्योंकि अब आपको याद हो गया है कि ये किस तरीके का सवाल है, इसी तरीके का सवाल है और हमको इसी तरीके से हल करना है। अच्छा देखो, इसमें एक और वेरिएशन अभी तक आपके एग्जाम में, इस एग्जाम में नहीं पूछा है लेकिन एसएससी के एग्जाम में पूछा है। ऐसा हो सकता है कि अभी ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ आ रही है, लेकिन अगर ये कह दे कि ये इस तरफ जा रही है तो भी ये सवाल बन सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट अभी भी आपका यही रहेगा। आपको कौन सा समय निकालना है, दोनों समय का अंतर निकालना है, पहली बात तो ये। दूसरा कौन सा समय निकालना है, मिलने का अंतराल निकालना है, ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दो साइकिलें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ प्रारंभ होती हैं तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, ये स्पीड दे रखा है। विपरीत दिशा में आने वाली एक महिला की घर की ओर गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होनी चाहिए ताकि वह दोनों साइकिलों से 8 मिनट के अंतराल पर पार करें। ये मिलने का अंतराल है और ये गाड़ी चलने का अंतराल है, तो दोनों समय का अंतर कितना हो गया, 2, और मिलने का अंतराल कितना हो गया, 8, रेशियो कितना हो गया, 1 और 4। ये अगर समय का अनुपात है तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 और 1। 4 का मान किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1.5 के बराबर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये सारे के सारे सवाल एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं और कितनी आसानी से हम इन सारे सवालों को हल कर पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और जितने भी सवाल है सभी को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 20 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलें एक घर से 2 वाहन, घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिल जाए। भाई यहां पे 18 मिनट है, यहां पे 20 मिनट है, समय का अंतर 2, बटे में मिलने का अंतराल 18, रेशियो कितना हो गया, 1 और 9, ये किसका हो गया, समय का, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 और 1, 9 का मान किसके बराबर है, 25 के बराबर, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 25/9 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, बात खत्म। इतनी देर का सवाल है, बोलो बात क्लियर होगी सभी को। और आगे बढ़ते हैं, देखो ये सवाल क्या कह रहा है। एक घर से 2 वैन 16 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली, घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को और कितने अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 12 मिनट के अंतराल पर वैन मिल जाए। 16 मिनट 12 मिनट अंतर कितना हो गया, 4 मिनट, और मिलने का अंतराल कितना है, 12, कितना रेशियो आ गया, 1 और 3, 3 और 1 ये क्या हो गया, स्पीड का रेशियो, 3 का मान किसके बराबर है, 20 के बराबर, 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 20/3 के बराबर, कहानी खत्म, उत्तर हमारा आ गया। अब इन सब सवालों को मन में हल कर सकते हैं, पेन पेपर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये जो हमारा सवाल है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बुलेट से, बुलेट फायरिंग, ये भी इसी तरीके का है। सवाल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। 12 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन फायरिंग की जगह पर आने वाली एक बस को 11 मिनट के बाद दूसरी गोली सुनाई देती है। किसी जगह से गोली चलाई जा रही है, फायरिंग हो रही है, तो फायरिंग होने से क्या है कि जो फायर करते हैं तो आवाज निकलती है और आवाज की अपनी गति होती है। भाई हमने अभी फायर कर दिया तो यहां से आवाज चलेगी और आवाज चल के आगे जाएगी, तो जो उधर से कोई आदमी आ रहा होगा, जैसे कभी आप खड़े हो, जैसे आप अगर दिवाली की बात करो, अगर आप कहीं एक आदमी को पार्क में खड़ा कर दो और आप थोड़े से दूर हो जाओ, बहुत ज्यादा दूर नहीं होना, थोड़ा दूर हो जाना है, उसको बोलो कि भैया वहां पे आप पटाखा छुटाओ रात में, वो पटाखा छुटाएगा, आपको लाइट पहले दिखाई दे जाएगी और आवाज आपको बाद में सुनाई देगा। इसका मतलब यह है कि वहां से यहां तक आवाज को आने में कुछ समय लगता है। तो वही है कि जब आप फायर करेंगे तो आवाज चलना स्टार्ट करेगी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी किसी स्पीड से, और दूसरी तरफ आने वाला आदमी उसको सुनेगा, तो भाई वही वाला हो गया ना, बस चल रही है, आदमी आ रहा है, यहां पे क्या है, आवाज इधर जा रही है और बस इधर आ रही है। आवाज के फायर का अंतर कितना है, भाई जितनी देर में फायर करेगा उतनी देर में आवाज स्टार्ट करेगी, तो 12 मिनट का अंतर यहां पे दे रखा है। और भाई बस को कितने अंतर पे सुनाई दे रहा है, 11 मिनट पे, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, 12 और 11 का समय का अंतर कितना आ गया, 1, और सुनने का अंतराल, वहां पे मिलने का अंतराल, भाई यहां पे आवाज बस से मिलेगी तभी तो सुनाई देगा, और सुनने का अंतराल या मिलने का अंतराल कितना हो गया, 11, 1 और 11 हमारा समय का अनुपात हो गया, तो स्पीड का कितना हो गया, 11 और 1, 11 का मान, अगर सवाल में मान लो आपको ध्वनि की गति दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो ये जनरल होता है 330 मीटर प्रति सेकंड, आप ये मान सकते हो, या डिपेंड करता है कि यहां पे जो रेशियो दे रखा है, कई बार आप इसको 320 भी ले सकते हो अगर यहां पे 32 या इस तरीके का रेशियो बनना है तो, ठीक है वो आप समझते हो इतना। 11 का मान 330 के बराबर है तो 1 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर, लेकिन यहां पे देखो दिया हुआ है ये मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन जो भी आपके उत्तर है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमको उत्तर किसमें निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। 1 का मान 30 के बराबर है, ये किसमें आया है, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं, 5 36 18 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा।
आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी। अगर किसी ने गलती से 30 निकाल के 30 टिक कर दिया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है कि इसका शॉर्टकट मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। निंजा टेक्निक की सीरीज में मैं उन सारे सवालों को लेकर आऊंगा जिनमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और मैं उनको बहुत छोटे तरीके से आपको समझा पाऊं, ताकि आपका बहुत सारा समय भी बचे और बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको एग्जाम में मिले जो कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में और भी प्रॉब्लम्स मैं लेता रहूंगा, और भी चैप्टर्स लेता रहूंगा। अभी मैंने LCMHCF कराया, आज मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस कराया है, मैं कोऑर्डिनेट भी कराऊंगा, या जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम होती है सवालों में आपको, उन सभी सवालों के मैं शॉर्टकट मेथड आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और अंत में जाने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन जाए और ये जो हमारा निंजा टेक्निक का सीरीज है ये, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा सक्सेस करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।